जैन धर्म के सिद्ध क्षेत्र सोनागिर मंदिर में 8 सितंबर की रात को हुई डकैती वारदात में लाखों रुपए की चोरी, सोने चांदी के छत्र और सुरक्षा गार्डो को मारपीट कर मरणासन्न अवस्था में डकैतों ने फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम दिया, लेकिन आज रात तक भी पुलिस इसका सुराग नहीं लगा पाई है। सोनागिर नरोत्तम मिश्रा के गृह क्षेत्र दद्दिया के समीप जैन धर्म का तीर्थ स्थल होने से हजारों लोग दर्शन के लिए देश विदेश से आते हैं। यहाँ पर पुलिस थाना होने के बाद भी इस तरह की घटना पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। जैन मिलन अध्यक्ष धर्मेंद्र जैन अमोल ने बताया कि इस लाखों रुपए चोरी की वारदात से समाज में आक्रोशित व्याप्त है। यदि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर इसका खुलासा नहीं किया गया तो समाज को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। समाज बंधु ने मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन तहसीलदार दिनेश चौरसिया को दिया। ज्ञापन देने वालों में धर्मचंद जैन, ममूनी प्रमोद जैन, सिंगई शैलेंद्र कुमार, महावीर जैन, श्रीमती ऋतु जैन, कोमल चंद, विनीश जैन, जयप्रकाश जैन, दीपक जैन, नीरज जैन, विनायक, अमन, सुमित, कन्हैया, अनमोल, भरत जैन और अन्य जैन समाज के लोग उपस्थित रहे।